हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एपिटेक्सी। सो एपिटेक्सी होता क्या है, इसमें रिएक्टर्स क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है और कितने टाइप के प्रोसेसेस हमें पढ़नी है, ये सब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। फर्दर एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जो कि है सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, वो भी कवर करेंगे हम इस पर्टिकुलर यूनिट में ही। सो ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड यू विल अंडरस्टैंड एपिटेक्सी इन डिटेल आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोज ऑन एपिटेक्सी। सो मैंने बहुत डिटेल में जो कंटेंट है वो बनाया है और इस कंटेंट को देखने के बाद अब आपको आई गेस कोई डाउट नहीं रह जाएगा अबाउट द एपिटेक्सी। सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन विद द टॉपिक्स। हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने, डेफिनेशन, पर्पस, रिएक्टर्स एंड प्रोसेस। सो ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में कवर करेंगे और हम देखेंगे कि एपिटेक्सी है क्या, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एपिटेक्सी। एपिटेक्सी एक वर्ड है जिसका ग्रीक ओरिजिन है और ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है जो कि है एपी और टैक्सी। एपी का मतलब होता है अपॉन और टैक्सी का मतलब होता है ऑर्डरली और अरेंज। तो अगर मैं इसका मीनिंग उल्टा कर देखूँ तो ये होता है ऑर्डरली अरेंज अपॉन, राइट। सो यही है एपिटैक्सी का मतलब। एपिटैक्सी का मतलब है जो अभी हमने वेफर बनाया है, अभी हमने वेफर बना लिया है। लास्ट यूनिट में आपने देखा होगा मैंने लास्ट में कहाँ छोड़ा था, मैंने आपको एक वेफर बनवा कर छोड़ा था। अब ये जो वेफर बन चुका है इसके ऊपर हमें एक ऑर्डरली अरेंज्ड लेयर बनानी है। सो ये जो वेफर था सिलिकन का ही वेफर था, अब उसके ऊपर हम सिलिकन की ही एक ऑर्डरली अरेंज्ड लेयर बनाएंगे। सो सिलिकन के ऊपर सिलिकन की लेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, पहली बात ये जो लेयर बनेगी ये इसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। फर्दर ये जो हम सिलिकन की लेयर सिलिकन के वेफर के ऊपर बनाते हैं, वेफर में अगर एन टाइप डोपेंट्स हैं तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये हम पी टाइप ले लेंगे, राइट। सो इनमें हम डोपेंट वेरी कर सकते हैं। सो ये जो लेयर बनी है इस लेयर को हम बोलते हैं एपिटेक्सियल लेयर, राइट। सो एपिटेक्सियल लेयर क्या है, एक सिंगल क्रिस्टल लेयर है ऑन द सिंगल क्रिस्टल सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट बना था वो भी सिंगल क्रिस्टल बना था और उसके ऊपर जो लेयर बना रहे हैं अभी हम वो भी सिंगल क्रिस्टल लेयर बना रहे हैं। अब सबस्ट्रेट क्या एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट एज अ सीड एक्ट करेगा इस प्रोसेस के अंदर, राइट। सीड के ऊपर हमारी लेयर ग्रो करने लग जाएगी। अब आ जाते हैं मोटिवेशन के ऊपर। तो ये जो सिंगल क्रिस्टल लेयर बनाई है, एपिटेक्सियल लेयर बनाई है, ये कहाँ यूजफुल है, क्यों यूजफुल है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये सब अभी हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो इसके जो हमारी हाई एंड एप्लीकेशंस होती हैं जिनके लिए स्ट्रिंजेंट डिमांड चाहिए होती है डिपॉजिटेड लेयर के लिए, उन एप्लीकेशन के लिए हमें एपिटेक्सियल लेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब एपिटेक्सियल लेयर की क्वालिटीज़ क्या है कि ये हाई प्योरिटी वाली लेयर होती है। यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी इंप्यूरिटीज़ इस लेयर के अंदर बहुत कम होती हैं और नेग्लिजिबल होती हैं। जब मैं वेफर को प्रोसेस करती हूँ, क्योंकि वेफर मोस्टली क्वार्ट्ज क्रूसिबल के अंदर बनता है, वहाँ से कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जैसी इंप्यूरिटीज़ वेफर के अंदर आ जाना बहुत ही मामूली सी बात है। सो वेफर के अंदर बहुत सारी जो इंप्यूरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से वेफर में डिफेक्ट्स आ सकते हैं और हमारे आईसी फेल हो सकती है। सो नाउ वी रिक्वायर अ हाईली प्योर लेयर जिसके अंदर मैं सारे डिवाइसेस को फैब्रिकेट कर सकूं। सो ये जो हाईली प्योर लेयर है इसे बोलते हैं एपिटेक्सियल लेयर। ये जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर एक हम हाईली प्योर लेयर बना देते हैं और ये हमारी एपिटेक्सियल लेयर कहलाती है। इसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, डिफेक्ट डेंसिटी यहाँ पर बहुत कम है वेफर में, क्योंकि हम इसे इनगॉट से कट करते हैं तो इस वेफर के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स रहते हैं, राइट। कितनी भी हम शेपिंग कर लें, कितनी भी हम क्लीनिंग कर लें, कितनी भी हम प्रोसेसिंग कर लें उस वेफर के साथ, स्टिल उसके सरफेस पे कुछ डिफेक्ट्स रहते हैं जिनको हम मिनिमाइज करते हैं विद द एपिटेक्सियल लेयर। जो एपिटेक्सियल लेयर है उसका जो सरफेस होता है वो डिफेक्ट फ्री होता है। आफ्टर दैट यहाँ पर एब्रप्ट इंटरफेसेस होते हैं, जो इंटरफेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट है इन द केस ऑफ एपिटेक्सियल लेयर। कंट्रोल्ड डोपिंग प्रोफाइल है, जो डोपिंग प्रोफाइल है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, राइट। सो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डोपेंट्स नहीं डाल रही हूँ, मैं डोपेंट्स को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकती हूँ, राइट। सो जब मैं वेफर बना रही थी विद द हेल्प ऑफ ज़ेरोकाल्स्की, ब्रिजमैन और फ्लोटिंग जोन टेक्निक, तो डोपेंट्स कंट्रोल करना या डोपेंट्स को एक बहुत ही मिनिमल वैल्यू में रखना बहुत डिफिकल्ट था, राइट। यहाँ पर क्या होगा, लेट सपोज मुझे 100
एटम्स चाहिए फॉस्फोरस के इन 1 लाख एटम्स ऑफ सिलिकन, तो मैं इसे बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे कि 99 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस टू 101 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इन 1 लाख एटम्स ऑफ सिलिकन। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल हो चुका है डोपेंट कंसेंट्रेशन इन द एपिटेक्सियल लेयर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे ही डोपेंट कंसेंट्रेशन कंट्रोल हो जाएगा, हमारी रेजिस्टिविटी कंट्रोल हो जाती है। डोपेंट्स के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी कंट्रोल हो जाती है। अब इट इज़ हैविंग हाई रिपीटेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। अभी हमें हाई रिपीटेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी चाहिए, जिससे कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस फैब्रिकेट कर सकें ऑन द सिंगल आईसी, राइट? तो जितना यूनिफॉर्म रिपीटेबल स्ट्रक्चर होगा उतने ज़्यादा डिवाइसेस फैब्रिकेट करना पॉसिबल रहेगा। इट इज़ हैविंग सेफ एफिशिएंट ऑपरेशन, क्योंकि अब ऑपरेशन सेफ एफिशिएंट है, सो हम एपिटेक्सियल लेयर की फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। सो आई होप आपको मोटिवेशन मिल गई होगी कि क्यों हम एपिटेक्सियल लेयर को पढ़ रहे हैं, क्यों एपिटेक्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? सो इट कैन क्रिएट क्लीन फ्रेश सर्फेसिस फॉर डिवाइस फैब्रिकेशन। अब डिवाइस फैब्रिकेशन के लिए जो सर्फेस है, बेसिक सर्फेस है, वो हमें वेफर से नहीं मिल रहा है, वो हमें एपिटेक्सियल लेयर से मिल रहा है। सो कमिंग टू द पर्पसेस, अब यहाँ क्या पर्पसेस हैं जिसकी वजह से हम एपिटेक्सियल लेयर की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेटीज, जब भी हम बायपोलर ट्रांजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं, जब हम इन्हें फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो इनकी जो बैरियर लेयर है, बैरियर लेयर जो डिपेंड करती है एपिटेक्सियल लेयर पर, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेगी और ब्रेकडाउन वोल्टेज को इंक्रीज करेगी। कलेक्टर रेजिस्टेंस रिड्यूस होना इज अ गुड थिंग, राइट? वहाँ पर हमारे लॉसेस कम हो जा रहे हैं, और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है अगर वो इंक्रीज हो गया है, तो विच मीन्स हमारा जो बीजेटी है वो हाई वोल्टेज तक ऑपरेट करेगा विदाउट गेटिंग डैमेज, राइट? सो अगर हमें बीजेटी को अच्छे से ऑपरेट कराना है हाई वोल्टेजेस तक, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एपिटेक्सियल लेयर की हेल्प से बनाएंगे। अगर हमने डायरेक्ट वेफर के ऊपर बीजेटी बना दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगी और कम ही वोल्टेज तक हमारा बीजेटी ऑपरेट कर पाएगा। इट इज़ ओनली अवेलेबल विद द एपिटेक्सियल लेयर। अब अगर हम सीमॉस और डीरैम की बात करें, सीमॉस और डीरैम का जो ऑपरेशन होएगा, उसका परफॉर्मेंस होएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब हम एपिटेक्सियल लेयर में सीमॉस या डीरैम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोअर ऑक्सीजन कार्बन कंसेंट्रेशन है देन द वेफर क्रिस्टल, राइट? सो नाउ यहाँ पर अगर हम पहले बीजेटी को देखें, ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट लेयर है। सबस्ट्रेट क्या है, जो भी हमने वेफर से चिप्स काटी थी, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो बरिड लेयर है, बरिड लेयर भी एक एपिटेक्सियल लेयर की तरह से ही बनती है, उसके ऊपर हमारे पास एपिटेक्सियल लेयर है। ये जो एपिटेक्सियल स्काई ब्लू कलर की लेयर जो दिख रही है, ये आपको एपिटेक्सियल लेयर है। अब आप देखेंगे जो पी टाइप सबस्ट्रेट है, तो बहुत पतला दिख रहा है, और जो एपिटेक्सियल लेयर है ये बहुत ज्यादा मोटी दिख रही है। तो क्या ये जो एपिटेक्सियल लेयर है ये इतनी ही थिक होती है फ्रॉम द सबस्ट्रेट लेयर? सबस्ट्रेट लेयर क्या थिन है और एपिटेक्सियल लेयर थिक है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो सबस्ट्रेट लेयर है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा थिक होती है और एपिटेक्सियल लेयर बहुत थिन होती है। सबस्ट्रेट में लेट सपोज अगर हमारे पास 100 एटम थिक सिलिकन लेयर है, तो जो एपिटेक्सियल लेयर होगी वो सिर्फ 5 एटम थिक सिलिकन लेयर होगी, राइट? सो ये जो अभी हमने यहाँ पर इतना थिक एपिटेक्सियल लेयर बनाया है, ये क्यों बनाया है, जिससे कि ये जो पूरे डिवाइसेस हैं इसके अंदर ये आपको अच्छे से दिखाई दे, राइट? ये जो हमारे आइसोलेशन इम्प्लांट हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर, ये सब आपको अच्छे से दिखने चाहिए, इसीलिए हमने एपिटेक्सियल लेयर को थोड़ा थिक बनाया है। और सबस्ट्रेट लेयर इसके नीचे होती है, जहाँ पर जो हमारा एक्चुअल डिवाइस बनता है वो होता है हमारा एपिटेक्सियल लेयर। कमिंग टू द सेकेंड एप्लीकेशन, सीमॉस। तो सीमॉस में भी आप देख रहे हैं ये जो पी टाइप वेफर है, पी टाइप वेफर के ऊपर हमारे पास एन वेल बनाते हैं, राइट? सो एन वेल और पी वेल जो बने हैं हमारे, वो किस में बने हैं, पी टाइप एपिटेक्सियल लेयर। तो पी वेफर के ऊपर हमने क्या बनाया, पी टाइप एपिटेक्सियल लेयर बनाया, और उसमें हमने पी वेल और एन वेल बनाया। तो यहाँ पर भी पूरा जो सीमॉस फैब्रिकेशन हुआ है वो पी टाइप एपिटेक्सियल लेयर के अंदर हुआ, राइट? सो अभी ये जो पी टाइप एपिटेक्सियल लेयर है, अगेन ये बहुत ज्यादा थिन है एज कम्पेयर टू द वेफर, राइट? सो वेफर की थिकनेस बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एपिटेक्सियल लेयर थिकनेस। अब कमिंग टू द एपिटेक्सियल ग्रोथ, एपिटेक्सियल ग्रोथ की हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एपिटेक्सियल ग्रोथ, एक होता है होमो एपिटेक्सी, एक होता है हीट्रो एपिटेक्सी। होमो एपिटेक्सी, नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर हम ग्रो करवाएंगे द लेयर ऑफ सेम मटीरियल विच इज एज अ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट में अगर सिलिकन है तो हम उसके ऊपर सिलिकन की ही लेयर को ग्रो करवाएंगे, ये हो जाएगा हमारा होमो एपिटेक्सी। एग्जाम्पल है सिलिकन ऑन सिलिकन,
राइट, हीट्रो एपिटेक्सी नाम से पता लग रहा है कि अब सबस्ट्रेट में अलग सब्सटेंस होना चाहिए और जो ग्रो करवा रहे हैं वो एक अलग सब्सटेंस होना चाहिए. ग्रोथ ऑफ अ लेयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल देन द सबस्ट्रेट लाइक गैलियम आर्सेनाइड ऑन सिलिकन या फिर सिलिकन ऑन सेफायर. तो अगर हमने सिलिकन का सबस्ट्रेट लिया उसके ऊपर गैलियम आर्सेनाइड की लेयर बनाई है हीट्रो एपिटेक्सी. हमने सफायर लिया Al2O3 लिया और उसके ऊपर हमने सिलिकन की लेयर बनाई तो ये भी हमारा हीट्रो एपिटेक्सी. तो सिलिकन ऑन सेफायर में वापस आऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एपिटेक्सी की. सो इसके ऊपर हमारे पास डिटेल में डिस्कशन है ऑन सिलिकन ऑन इंसुलेटर. राइट, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन ग्रोथ है राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एटम की लेयर है, ये जो एटम की लेयर है और ये जो एटम की लेयर है, ये पूरा ऑर्डर्ड है. तो ये जो लेयर है इसे हम ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन ग्रोथ बोलेंगे, बट ये एपिटेक्शियल ग्रोथ नहीं है. एपिटेक्शियल ग्रोथ में क्या होएगा, जो क्रिस्टल लैटिस होएगा वो अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा. राइट, सो अगर हमें एपिटेक्शियल ग्रोथ को क्लासीफाई करना है, अगर कोई भी ग्रो करवाया हमने लेयर को और उस लेयर को अगर हम एपिटेक्शियल लेयर बोलना चाहते हैं तो उसके लिए तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी हम उस लेयर को एपिटेक्शियल लेयर बोलेंगे. फर्स्ट इज डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑन अ सबस्ट्रेट विच मैचेस द क्रिस्टलाइन ऑर्डर ऑफ द सबस्ट्रेट. बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, क्रिस्टलाइन ऑर्डर जो हो वैसा अरेंजमेंट होना चाहिए. सो ये जो क्रिस्टलाइन ऑर्डर था आप देख पा रहे हैं, ये जो क्रिस्टलाइन ऑर्डर था ग्रे एटम्स में वो ही फॉलो हो रहा है पर्पल एटम्स में इस केस में, वेराज जो ग्रे एटम्स में क्रिस्टलाइन ऑर्डर था वो फॉलो नहीं हो रहा है पर्पल एटम्स में सेकेंड केस में. सो इस केस के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा एपिटेक्शियल लेयर डेपोजिशन नहीं कहलाएगा, वेराज यहाँ पर क्रिस्टलाइन ऑर्डर रिपीट हो रहा है तो ये एपिटेक्शियल लेयर डेपोजिशन कहलाएगा. सेकेंड चीज इज कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए. अगर केमिकल रिएक्शन हो गया जो सरफेस एटम्स हैं और जो सबस्ट्रेट एटम है उनके ऊपर, तो इनके बीच में अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो ये कोई एपिटेक्शियल लेयर नहीं कहलाएगी. राइट, तो ये केमिकली रिएक्टेड लेयर कहलाएगी. अभी इसमें एपिटेक्शियल लेयर के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए. थर्ड इज देयर इज नो थर्मल मिसमैच. थर्मल मिसमैच क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे कि अगर हमने हाई एंड प्रोसेसिंग करी, हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग करी, उस केस में क्या होएगा, सबस्ट्रेट लेयर का जो एक्सपेंशन होएगा वो ज़्यादा हो जाएगा और जो एपिटेक्शियल लेयर है उसका एक्सपेंशन में भी कम हो जाए. या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, सबस्ट्रेट लेयर हाई टेम्परेचर पर कम एक्सपेंड कर रही है और एपिटेक्शियल लेयर ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, तो इससे हमारी सिमेट्रिसिटी खराब हो जाएगी और डिवाइस का ऑपरेशन भी खराब हो सकता है. तो हमें जो एपिटेक्शियल लेयर चाहिए उसका थर्मल कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, थर्मल मिसमैच नहीं होना चाहिए एपिटेक्शियल लेयर और सबस्ट्रेट लेयर में. सेकंड, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए और थर्ड, जो क्रिस्टलाइन ऑर्डर है वो ही रिपीट करना चाहिए. राइट, सो नाउ कमिंग टू द थ्री टाइप्स ऑफ एपिटेक्शियल ग्रोथ. अब तीन टाइप की एपिटेक्शियल ग्रोथ होती है. फर्स्ट इज लिक्विड फेज एपिटेक्सी, देन वेपर फेज एपिटेक्सी एंड थर्ड इज मॉलिकुलर बीम एपिटेक्सी. तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. कमिंग टू द सिलिकन सोर्स गैसेज. अब सिलिकन सोर्स गैसेज है जो गैसेस जिनसे हम सिलिकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे. जब हमने ईजीएस की बात करी थी, हम ईजीएस में क्या कर रहे थे, सिलिकन का सॉलिड सब्सटेंस बना रहे थे सैंड से. बट यहाँ पर हम सैंड को नहीं यूज करेंगे. अब सिलिकन कहाँ से आएगा, सिलिकन आएगा सोर्स गैसेस से. अब ये जो सोर्स गैसेस हैं वो होंगी या तो सिलेन या डाइक्लोरोसिलेन, ट्राइक्लोरोसिलेन और टेट्राक्लोरोसिलेन. तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है टेट्राक्लोरोसिलेन, और टेट्राक्लोरोसिलेन से ही मोस्टली हम सारी सिलिकन एपिटेक्शियल लेयर डेपोजिशन करवाते हैं. राइट, बाकी सब में क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखेंगे. सो जो ट्राइक्लोरोसिलेन है, ट्राइक्लोरोसिलेन इज SiHCl3, डाइक्लोरोसिलेन इज SiH2Cl2, सिलेन इज SiH4 और टेट्राक्लोरोसिलेन है SiCl4. सो SiCl4 को सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये SiHCl3 बना देता है इक्विलिब्रियम में प्लस HCl. फिर इसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो SiH2Cl2 बना देता है इक्विलिब्रियम में प्लस HCl. अब SiH2Cl2 और SiHCl3 दोनों डिसोशिएट होकर SiCl2 हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. अब ये जो SiCl2 है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसमें ऑक्टेट नहीं बनेगा सिलिकन के आउटर मोस्ट शेल में, तो ये अनस्टेबल रहेगा और SiCl2 फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर और सिलिकन और HCl प्रोवाइड कर देगा. सो इस तरीके से ये सारी जो सोर्स गैसेस है रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ और ये मुझे सिलिकन प्रोवाइड कर देती हैं एट द एंड. सिलेन क्या है, SiH4. SiH4 का जो रिएक्शन होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है
और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सिलिकन डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है। SiCl4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है 1100 डिग्री सेल्सियस पर, तो एज कम्पेयर टू सिलीन टेट्राक्लोरोसिलीन को हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। कमिंग टू द डोपेंट सोर्स गैसेज, अब जो डोपेंट सोर्स गैसेज हैं वो होती हैं डायबोरिन, फॉस्फीन और आरसीन। तो अगर हमें इस एपिटेक्शियल लेयर को किसी एन टाइप या पी टाइप बनाना होगा तो हम डोपेंट्स भी तो डालेंगे। डोपेंट्स के लिए जो सोर्स गैसेज हैं वो हैं B2H6, PH3 और ASH3। अब ये जो डोपेंट सोर्स गैसेज हैं ये टॉक्सिक होती हैं, ये हार्मफुल होती हैं ह्यूमंस के लिए, तो इनकी हैंडलिंग बहुत केयरफुली करनी पड़ती है, राइट। सो जो डोपेंट सोर्स गैसेज हैं इस ये टॉक्सिक है, इनकी केयरफुल हैंडलिंग, अगर ये लीक हो गई तो ये ह्यूमंस को डैमेज पहुंचा सकती हैं। इसीलिए ही वी अवॉइड वेपर फेज एपिटेक्सी एंड वी मूव टूवर्ड लिक्विड फेज एपिटेक्सी और मॉलिकुलर बीम एपिटेक्सी। सो कमिंग टू द डायक्लोरोसिलीन एपिटेक्सी ग्रो और आर्सेनिक डोपिंग, तो अब हमारे पास डायक्लोरोसिलीन है SiH2Cl2, जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिलिकन और 2HCl हमें मिल जाएगा, राइट। ये जो सिलिकन है ये हमारा एपिटेक्शियल लेयर में जाकर ग्रो करेगा। सिमिलरली ASH3 लिया तो ये भी हीट 1100 डिग्री सेल्सियस पर आर्सेनिक प्लस 3/2H2 बन जाएगा। ये जो आर्सेनिक है ये हमारा एज अ एपिटेक्शियल लेयर ग्रो कर जाएगा। अभी यही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये डायक्लोरोसिलेन है, राइट। सो ये जो दो एटम्स हैं, ये जो दो ग्रीन एटम्स हैं ये क्लोरीन है, ये जो छोटे एटम्स दिख रहे हैं आपको ये हाइड्रोजन है और ये है सिलिकन। तो ये क्या होएगा, ये डिसोशिएट होकर सिलिकन प्रोवाइड कर देगा 1100 डिग्री सेल्सियस पर, और ये सिलिकन जाकर एज अ एपिटेक्शियल लेयर ग्रो कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो वेपर फेज में था डायक्लोरोसिलेन, ये सॉलिड फेज में हमें सिलिकन दे देगा और सिलिकन जाकर एज अ एपिटेक्शियल लेयर हमारे सब्सट्रेट के ऊपर ग्रो कर जाएगा। सिमिलरली वी हैव ASH3, ASH3 में आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लू एटम है ये हमारा आर्सेनिक का है, और ये जो तीन एटम्स हैं हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये डिसोशिएट होएगा और ये आर्सेनिक देगा और हमें आर्सेनिक एज अ डोपेंट यहाँ पर एपिटेक्शियल लेयर में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं सरफेस रिएक्शंस पर। सरफेस रिएक्शंस क्या होते हैं, जो रिएक्शंस हमारे सरफेस पे कैटेलाइज होते हैं, जैसे कि जो हमारा सरफेस है वो SiCl4 को कैटेलाइज करता है टू प्रोवाइड Si, राइट। तो जब भी SiCl4 को हम एज अ रिएक्टेंट गैस लेंगे तो वो सरफेस पे जाकर कैटेलाइज होएगा और सरफेस पे हमें सिलिकन प्रोवाइड कर देगा। यही तो हमें चाहिए, हमें सरफेस के ऊपर एपिटेक्शियल लेयर बनानी है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम SiH4 को ले लेते हैं, वो सरफेस रिएक्शन नहीं है, वो बल्क में भी जा सकता है, वो हमारे वेफर के अंदर डिफ्यूज होकर और अंदर जाकर सिलिकन प्रोवाइड कर सकता है, राइट। सो जब हम SiH4 ले रहे हैं तो हमारे पास अनइवन स्ट्रक्चर ग्रो कर सकता है, राइट। तो इसी रीज़न की वजह से मोस्टली SiCl4 प्रेफर्ड होता है, जबकि मैंने आपको बताया था SiCl4 वाला जो रिएक्शन है वो 1100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और SiH4 वाला जो रिएक्शन है वो 900 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। बट क्योंकि सरफेस पे वो रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो सरफेस के अंदर घुसकर भी रिएक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से अनइवन स्ट्रक्चर आ सकता है। सो इसीलिए ही वी आर प्रेफरिंग SiCl4। अब आ जाते हैं सरफेस लेयर। जो सरफेस लेयर होती है वो होती है जो वेपर्स की जो लेयर हमारी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है उसका जो डिस्टेंस है, राइट। ये जो सरफेस है, सरफेस से इस फर्स्ट लेयर का जो डिस्टेंस है ये हमें हमारी सरफेस लेयर या बाउंड्री लेयर बोलते हैं, राइट। तो बाउंड्री लेयर के जो डिस्टेंस है उस पर हमारी एपिटेक्शियल लेयर की थिकनेस डिपेंड करती है, वो हम आगे देखेंगे इसके एनालिसिस पार्ट पर, राइट। सो अभी आ जाते हैं कीमोजॉर्प्शन। कीमोजॉर्प्शन की वजह से ये जो एटम्स हैं ये यहाँ पर सबस्ट्रेट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। ये सबस्ट्रेट के ऊपर यहाँ पर स्टेबल भी तो रहने चाहिए। अब ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर मैंने एक और लेयर बनाई, तो अगर ये लेयर यहाँ पर स्टेबल ही नहीं रुक पा रही है तो ये एपिटेक्शियल लेयर नहीं कहलाएगी। तो उसके लिए हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए, एड्सॉर्प्शन चाहिए, राइट। और कुछ एटम्स क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटम्स की अमाउंट ज़्यादा है, ये डिफ्यूज भी कर जाते हैं सबस्ट्रेट के अंदर। सो डिसॉर्प्शन मतलब कि ये जो सबस्ट्रेट पे हमने एटम्स बनाए हैं, कुछ एटम्स सिलिकन के यहाँ से अवे भी मूव कर सकते हैं। इट कैन मूव अवे इन द वेपर और राइट, इट कैन मूव अवे इन द गैसेज एज वेल। तो ये जो डिसॉर्प्शन है ये हमारे एपिटेक्शियल लेयर के लिए हार्मफुल है। डिसॉर्प्शन कम होना चाहिए, सरफेस एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए। कमिंग टू द एपिटेक्शियल सिलिकन ग्रोथ रेट ट्रेंड, तो अब जो जैसे हम SiHCl3, SiH2Cl2 और SiH4 का अमाउंट बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा ये हमारा जो रिएक्शन है वो नेगेटिव साइड में जाता जाता है। अगर हमने कंट्रोल्ड अमाउंट में SiCl4, SiH2Cl2, SiH4 दिया
तो ये ग्रो करवाएगा सिलिकन लेयर को। बट अगर हमने इनका अमाउंट अनकंट्रोल कर दिया, हमने इनका अमाउंट बहुत ज्यादा कर दिया, तो उस केस में क्या होएगा, हमारा एच सी एल ज्यादा बनेगा, राइट। और जैसे ही एच सी एल ज्यादा बना, ये सब इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी, जो हमारा एच सी एल ज्यादा बना तो क्या होएगा, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड मूव करने लग जाएगा, राइट। सो अब मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप रिएक्शन देखें तो ज्यादा हमने अमाउंट ऑफ एस आई एच टू सी एल टू ले लिया तो ज्यादा एच सी एल बनेगा, ज्यादा एच सी एल की वजह से क्या होएगा, ये रिएक्शन वापस से पीछे मूव करने लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा एच सी एल सिलिकन के साथ रिएक्ट कर फिर से एस आई एच टू सी एल टू बना देगा, राइट। सो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एस आई एच टू सी एल टू का अमाउंट हम कंट्रोल्ड रखते हैं और ये जो एच सी एल बना है इसे प्रॉपरली वेंट आउट करते रहते हैं, क्योंकि ये एच सी एल हमारा नेगेटिव एचिंग दे रहा है, राइट, इट्स गिविंग मी एचिंग। हमें क्या करना है, डेपोजिशन करना है सिलिकन का, बट ये हमें एचिंग दे रहा है, एचिंग मतलब रिमूवल ऑफ सिलिकन। तो हमें एच सी एल को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, इसे रिमूव करना पड़ेगा। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, जो कि है लिक्विड फेज एपिटेक्सी। लिक्विड फेज एपिटेक्सी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ही है हमारे सिलेबस में। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लिक्विड फेज एपिटेक्सी। सो लिक्विड फेज एपिटेक्सी में जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हें हम मोल्टन सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं हाई टेम्परेचर पर। तो लास्ट केस में हमने क्या करा था, हमने वेपर्स लिए थे, वेपर्स को, रिएक्टेंट्स के वेपर्स को गैस फेज में थे और उसको रिएक्ट करवा कर हमने हमने आउटपुट ले लिया था, जो हमने एपिटेक्शियल लेयर की तरह सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट कराया था। अब इस केस में क्या कर रहे हैं, हम एक सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट के अंदर हम रिएक्टेंट्स डालेंगे और सॉल्वेंट के अंदर ही हमने सबस्ट्रेट डाल दिया है। सो लेट्स सपोज हमने एक बीकर लिया, बीकर में सबसे नीचे हमने वेफर रख दिया और वेफर के ऊपर सारी रिएक्शंस करवा दी, बट सॉल्वेंट के अंदर हो रही है रिएक्शंस। सबस्ट्रेट इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन व्हाइल द टेम्परेचर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सिलिकन जर्मेनियम ऑन सिलिकन अगर हमें बनाना है तो हम बिस्मिथ को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस की में रख सकते हैं और हमारे पास सिलिकन जर्मेनियम ऑन सिलिकन लेयर बन जाएगी। अब ये जो लिक्विड फेज एपिटेक्सिस लेयर बनती है, ये हाई क्वालिटी लेयर है, फास्ट है, इनएक्सपेंसिव है, राइट। तो ये सब इसकी एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम लिक्विड फेज एपिटेक्सी को प्रेफर करते हैं। इट इज नॉट आइडियल फॉर लार्ज एरिया लेयर्स और एब्रप्ट इंटरफेसेस। लार्ज एरिया लेयर्स हैं, एब्रप्ट इंटरफेसेस हैं, तो हम लिक्विड फेज एपिटेक्सी को प्रेफर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक ड्राइविंग फोर्सेज आर रिलेटिवली वेरी लो। यहाँ हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक ड्राइविंग फोर्सेज कम होते हैं, सो इसका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस रहेगा वो कम रहेगा। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे एपिटेक्सी के। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे एपिटेक्सी को, सो आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून इन द नेक्स्ट क्लास। अगर ये सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।